इस वीडियो में बात करेंगे एपिस्टेमेटिक कॉन्टेक्स के बारे में। इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है। इससे पहले हमने फिजिकल कॉन्टेक्स के बारे में पढ़ा, लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स के बारे में पढ़ा, सोशल कॉन्टेक्स, इसके साथ ही साथ हमने कॉन्टेक्स के बारे में पढ़ा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी एक क्लास टाइप के बारे में। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट देख लें या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। एपिस्टेमेटिक कॉन्टेक्स एक्चुअली रिफर्स टूवर्ड स्पीकर्स नो अबाउट द वर्ल्ड, यानी कि एक स्पीकर को क्या नॉलेज है वर्ल्ड के बारे में। अब यहाँ पे ये नहीं कि पूरे वर्ल्ड की यहाँ पे उसका हम जनरल नॉलेज चेक करने लग जाएंगे कि ये वर्ल्ड के बारे में क्या जानता है। इट डजंट मीन दैट। इट मीन्स दैट कि आप की जो फील्ड है आप समझ लेंगे कि पार्ट ऑफ इट कैन बी दिस पार्ट ऑफ स्पेसिफिक फील्ड वी कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड अ बिजनेस क्योंकि हमें उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। अगर मैं BBA की स्टूडेंट नहीं हूँ, मुझे कैसे पता है कि ये BBA में क्या हो रहा है। अगर मुझसे आगे कोई फील्ड कोई टर्म पूछ लेता है, मुझे नहीं समझ आनी ना, क्योंकि मैं उसकी फील्ड में नहीं हूँ, मुझे उसके बारे में कोई बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है। अब यहाँ पे देखें ना, फॉर एग्जांपल वर्ड्स बैकग्राउंड नॉलेज इज हियर बाय द स्पीकर इज पार्ट ऑफ योर एपिस्टेमेटिक नॉलेज, यानी मेरा बैकग्राउंड नॉलेज यहाँ पे लिंग्विस्टिक से रिलेटेड है या मेरा लिटरेचर से रिलेटेड है, तो मैं ऑब्वियसली उसी में बात करूँगी ना। अब मुझे नहीं पता कि ये बाकी फील्ड्स में क्या हो रहा है। मेरे साथ कोई अदर फील्ड का पर्सन आके बैठ गया है MBBA का या MBBS का या फिर किसी भी चीज़ का, तो वो मेरे साथ अपनी बैकग्राउंड नॉलेज शेयर कर रहा है कि हमारी फील्ड में ये होता है, ये टर्म्स हैं, मुझे नहीं समझ आनी क्योंकि मेरी वो नॉलेज नहीं है, मेरी वो फील्ड नहीं है। लेकिन इफ़ द पर्सन कम और उसकी जो फील्ड है वो मेरे से रिलेटेड है, लिंग्विस्टिक है या लिटरेचर है, तो मेरी और उसकी कन्वर्सेशन बहुत फ्रूटफुल रहेगी क्योंकि हम दोनों सेम बैकग्राउंड नॉलेज शेयर कर रहे हैं। तो ये चीज़ होती है एपिस्टेमेटिक कॉन्टेक्स्ट। इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट था, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।